कौन है तू? तू घर में कैसे घुसा? तू घर में कैसे घुसा? इंसान का घर, उसका परिवार, उसकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। एक ऐसी दुनिया जहां वो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, शांत महसूस करता है। लेकिन इस घर में कुछ अलग हुआ। रविंद्र के घर में एक शख्स घुसाया था। कौन था ये शख्स? क्या रविंद्र के साथ उसकी कोई दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसने घर में घुसकर रविंद्र की हत्या कर दी, या फिर वजह कुछ और थी? क्या था पूरा घटनाक्रम, ये जानने के लिए चलना होगा कुछ हफ्तों पीछे। हंस रही इसकी शरारतों पर, समझा के जा इसे। दिन भर आवारा गति करती रहती है, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अक्कल पता नहीं कहाँ चलने गई है। मस्ती मजाक, अरे ये इसकी जिंदगी बन गई है। शादी के लिए कोई रिश्ता आता है तो मना कर देती है। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? शादी कर लूं, दो चार बच्चे कर लूं, फिर इस छोटे से शहर में, छोटे से घर में छोटी छोटी सपने देखते देखते बूढ़ी हो जाऊं। माँ, लाइफ शुड बी लार्ज। बड़ा शहर, बड़ा घर और उससे भी बड़े सपने। आई एम अ फ्री बर्ड माँ, मैं आसमान में उड़ना चाहती हूँ। रहने दे, दिन में सपने मत देख। माँ आप भी ना, दीदी मुझे दिल्ली ले चलो ना प्लीज। हाँ हाँ, यहाँ तो कानपुर वालों के कान काटती रहती है, वहाँ दिल्ली वालों का दिल ही जला देगी। माँ प्रॉब्लम क्या है, जाने दो ना उसे। बेटा तू समझती नहीं है, दो दिन में परेशान हो जाएगी तू इससे। मम्मी जी भेज दीजिए ना, इतना जिद कर रही हो। नानी प्लीज मासी को भेज दो ना। अरे बेटा तेरी मासी तेरे माँ के आंसू निकाल देगी। बस बस माँ, इतनी भी बुरी नहीं है मेरी बहन, जाने दो ना। तू अपना सामान पैक कर ले। थैंक यू दी, आई लव यू। थैंक यू जीजू, जल्दी आती हूँ। झुका और मैं उनकी साली, मतलब आधी घर वाली। आधा मैंने गंदा कर दिया, आधा सोफा आप संभालो। अच्छा मेरा कमरा कहाँ है, मुझे फ्रेश होना है। उस तरफ मेरे कमरे में चलो, बहुत मजा आएगा। चलो 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 चलो, दिखाओ मुझे अपना कमरा, मुझे अपने टॉयज भी दिखाना, फेवरेट वाले। बिल्कुल बच्ची है।
अरे नाश्ता खत्म किया आपने? सुनिए नाश्ता रेडी, आ जाइए। आ रहा हूं मैं। गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग। अंजलि जी, अब तुम बड़ी हो गई हो, कपड़े भी थोड़े बड़े पहना करो। क्या जीजू, दिल्ली में रहते हो और इतनी छोटी सोच? ओह माय गॉड, मैं और मेरे फ्रेंड्स तो ऐसे ही ड्रेसअप करते हैं कानपुर में, और कानपुर में मेरी सारी फ्रेंड्स ऐसे ही ड्रेसअप करती है, तो ये तो दिल्ली है, मैं तो ऐसी हूँ जीजू। अच्छा जी, क्या बदमाशियां चल रही है ये? हाँ दीदी, और ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहने तुमने? जीजू बोल ना दीदी को। अरे सुबह से मैं क्यों डांट रही हूँ उसे, उसको बाजार ले जाओ और कुछ अच्छे से कपड़े दिलवा दो। थैंक यू जीजू। जीजू आप ऑफिस जा रहे हो ना, आप ऑन द वे मुझे बिरला मंदिर पर छोड़ दोगे प्लीज? तू अकेली कैसे जाएगी? दीदी मैं दिल्ली में घूम रही हूँ, किसी जंगल में नहीं, घूमनी हो जाऊंगी। मैं फटाफट तैयार होकर आऊँ, आप छोड़ेंगे ना प्लीज? मुझे ऑफिस पहुँचना है, देर हो रही है, जल्दी करो। यस दीदी, मेरा नाश्ता लगा देना। हाँ हाँ ठीक, चलिए आप नाश्ता कर लीजिए। चलो जी गुप्ता जी, हाँ जी हाँ, आपका काम दो दिन में हो जाएगा। हाँ जी, मैं आपसे बाद में बात करता। पासपोर्ट वीजा बनाते हो? हाँ जी बनाते हैं ना, देखकर लग तो नहीं रहे। अजी पासपोर्ट वीजा होटल सब कुछ यहाँ। ठीक है ठीक है, कहाँ भेज सकते हो? आप जहाँ कहो जी वहाँ भेज सकता हूँ। दाम बोल। दाम तो काम के हिसाब से लगेंगे जी। डॉक्यूमेंट्स लाई हो? जोसना जी, इसके ओरिजिनल्स कहाँ हैं? ओरिजिनल्स होते तो तेरे पास क्यों आती, खुद लाइन में लग के ना बनवा लेती। अब पैसा बोल वरना और भी ब्रोकर्स हैं यहाँ। अरे जोसना जी, आप बात बात में गुस्सा क्यों हो जाती हैं? अब आपका काम हो जाएगा। इतना तो तय था कि अंजलि कोई साजिश कर रही थी, किसी बड़ी फिराक में थी, इसीलिए तो अपने दस्तावेज अपनी बहन के नाम पर बनवाना चाहती थी। वो बहन जिसने अंजलि पर इतना भरोसा किया, उसे अपने साथ रखा, उसके साथ इतना बड़ा फरेब क्यों कर रही थी अंजलि? वो भी परिवार से छिपकर और फर्जी दस्तावेज की मदद से। उधर रविंद्र और ज्योत्सना इस पूरी साजिश से बिल्कुल अनजान थे। बड़े गौर से पढ़ रही हो, ऐसा क्या है इसमें? जीजू ये एंटीक्स की बुक है, सी ये मूर्तियां देख रहे हो आप, ये सब की सब डुप्लीकेट है और इनका प्राइस है 1.5 करोड़। इमेजिन करो कि असली मूर्तियों का प्राइस कितना होगा। अमेजिंग नो? अच्छा। तुझे क्या फर्क पड़ता है 1.5 करोड़ की हो या 1.5 पैसे की, जब देखो फालतू चीजों में लगी रहती है। अच्छा चाय पी, बाजार चलते हैं फिर। नहीं दीदी मुझे मंदिर जाना है। अरे जब देखो हर दूसरे दिन मंदिर मंदिर मंदिर। क्योंकि मेरी प्यारी दी, जब मन्नत पूरी करवानी हो तो भगवान को बार बार याद दिलाना पड़ता है। पैसे तो सारे दे दिए, तब तक काम क्यों नहीं हुआ? काम करना आता है या नहीं तुझे? ओहो मैडम जी, आप बेकार में टेंशन ले रहे हो। काम तो आपका समझो हो गया, बस 1-2 दिन में कुरियर आपके घर पहुंच जाएगा जी। ठीक है। अच्छा यहाँ पर कोई एंटीक की दुकान है जो पुरानी कीमती चीजें खरीदता बेचता हो?
मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के लिए कुछ लेना है। ओ जी है ना, अपने पास तो हर मर्ज की दवा है। वो करोल बाग से लगे हुए बहुत सारी दुकानें हैं। वो क्या है ना, अपना भाटिया दोस्त है, आप उसके यहाँ से ले लो और कुछ दाम वो कम कर देगा अगर आप मेरा नाम बताओगे तो। जी कार्ड उसका, हाँ ये रहा उसका कार्ड, ये रख लो जी। थैंक यू। यम्मी यम्मी। चलो चलो चलो। अंजलि। चलो दीदी, चलो ड्राइवर। अंजलि अंजलि, किसी ने आवाज दी तुझे? अरे दी, मुझे दिल्ली में कोई नहीं जानता, मुझे कोई आवाज क्यों देगा? लेकिन वो पीछे आ, लेकिन दिल्ली में लाखों अंजलि है, वो किसी अंजलि को बुला रहा होगा। हाँ भैया, सोचा है ना, वो मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूँ, वो मेरा खास दोस्त है गणेश, उसके साथ मिलके। सो चैंपियन, मजा आया? चलो बैठ जाओ। लाखों रुपए डुबो दिए तुमने, लेकिन तुम्हारे सर से बिजनेस का भूत अब तक। अंजलि देख, इतने गौर से क्या देख रही हो? जीजू ये सावधान इंडिया है। जिम्मेदारी भी तुझ पर ही है, तुझे ज्वाइन कर ले। अंजलि अंजलि जल्दी आ, माँ का फोन है। हाँ अभी आई, माँ को भी अभी फोन करना था। जीजू अब चैनल मत चेंज करना, और तू भी नहीं आ रही। विश्वास विश्वास टीवी देख रही है। मेरे पास ज्योत्सना, ज्योत्सना, क्या हुआ? क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे? क्या है इसमें, क्या है इसमें? तुम घर में बैठ के शराब पी रही हो। सही कहा था मम्मी जी ने कि ये लड़की नाक में दम कर देगी। अरे शर्म करो, तुम्हारी सारी हरकतें आज तक मैं नजरअंदाज करता है, लेकिन अब और नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ रह के बिगड़ जाए। सॉरी जीजू। ज्योत्सना, उससे कह दो कि अपना सामान पैक करे और जाए यहां से कानपुर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहां से। मेरा काम पूरा होने में बस कुछ ही दिन है, तब तक कुछ भी करके मुझे यहां रुकना होगा। ये अभी तक गई क्यों नहीं? जीजू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने जो किया उसके लिए आप मुझे माफ नहीं कर सकते, इसलिए आप मुझे कानपुर वापस भेज दीजिए। लेकिन लेकिन अभी नहीं। अगर आप इस मूड में माँ के पास जाएंगे तो उन्हें सच का पता चल जाएगा और वो बहुत शर्मिंदा होगी। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है, अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ भी परेशान हो, उन्हें दुख हो, इसलिए प्लीज बस बस आप इतनी सी बात मान लीजिए, मैं 10 दिन बाद खुद अपने आप चले जाऊंगी।
कहाँ मिली? वो छोड़ो, दाम बताओ मुझे। माल तो देखना पड़ेगा। अंदाजा तो बोलो। एक कुछ 1 करोड़। कम है, डुप्लीकेट के भी 1.5 करोड़ मिलते हैं। तुम्हारी जनरल नॉलेज बहुत कम है। डुप्लीकेट के 1.5 मिलते हैं, लेकिन ये चोरी का माल है। मुझे पता, पिछले साल कानपुर के म्यूजियम से उड़ाया गया था। मेरे ऊपर भी लोग हैं, फिर मुझे भी उनको हिस्सा देना पड़ेगा। डील करती हो तो ठीक है। हेलो दीदी, वो पूजा का फोन होगा। हाँ पूजा, कैसी है तू? हेलो मैडम जी, मैं बोल रहा हूँ जी। मैं वो आपका सामान आज श्री राम कुरियर से पहुँच रहा है जी। हाँ जी, रिसीव कर लेना जी। हाँ हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं आकर मिलती हूँ तुझसे। ओके बाय। चल अंजलि तैयार हो जा, माँ के लिए कुछ शॉपिंग कर लाते हैं। चल। नहीं दीदी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? वो खांसी लग रही है, वीकनेस भी हो रही है। अब तुझे ज्यादा तबीयत खराब लगे ना तो अपने चीजों को बुला लेना। हाँ, पास में डॉक्टर है, तुझे दिखा दे। जी। आराम कर, ध्यान रखना। अंजलि देखो कौन है। अंजलि, लड़की भी ना। यस जुवेज सुना शर्मा। वो तो अभी घर पे नहीं है। कुरियर आया था उनके नाम से। मैं उनका हस्बैंड हूँ, आप चाहे तो मुझे दे सकते हैं। यस साइन कर दिया। थैंक यू वेरी मच। शर्मा जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ मैं खुद लेकर आता हूँ ना। बिल्कुल जी। अभी तक नहीं आया। अरे अंजलि, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। आर्यन आएगा तुम उसे खाना खिला देना। हाँ, जी जी जी। ओके। इतना टाइम लगा दिया आने में। तो कानपुर से भागकर यहाँ आ गई तो टाइम तो लगना था ना। तुम तो जेल में थे ना। तो क्या चाहती थी, पूरी जिंदगी मैं जेल में रहूं? देख देख मैं आ गया। क्यों आया तू यहाँ पर, क्या चाहता है तू? तुझे क्या लगा कि मैं भूल गया? करोड़ों का माल था मेरा जो तेरे पास मैंने हिफाजत से रख छोड़ा था। पुलिस ने मुझे बहुत मारा लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। और तू मेरे साथ चाल चलेगी? हाँ सीधी तरह बता मेरा माल कहाँ है, नहीं तो मैं नहीं दूंगी। मैंने हमेशा तेरा साथ दिया और तू हर बार मुझे 500 रुपए टिकाकर खुद भाग जाता था। कहता था मेरा इतना ही बनता है, बख्शीश है मेरी। अब तू भाग। देख मैं सीधी तरह पूछ रहा हूँ तुझसे, मेरा माल कहाँ है? वो मेरी मूर्ति है, मैं उस मूर्ति की मालिक। तेरी है? हाँ मेरी। तेरी है? मैं बताता हूँ तुझे। क्या करेगा तू? अभी क्या बिगाड़ दे? छोड़। बता मेरा माल कहाँ है? ए कौन है तू? तू घर में कैसे घुसा? घुसा तेरे घर में, माल लेने आया हूँ अपना। अंजलि पुलिस को फोन कर। अंजलि अंजलि पुलिस को फोन कर। अंजलि अंजलि पुलिस को फोन कर। अंजलि पुलिस को फोन कर जल्दी से। मैं इसको पकड़ता हूँ। घर में कैसे घुसा? घर में कैसे घुसा? अंजलि क्या कर रही है? जल्दी कर। अंजलि पुलिस को फोन कर। अंजलि पुलिस को फोन कर। No!
अंजलि। शाबाश, तेरा ये कारनामा रिकॉर्ड हो गया और मैंने वो वीडियो मेरी फ्रेंड को भी भेज दी है। तो अगर तूने मुझे कुछ करने की कोशिश की, ये वीडियो सीधा पुलिस के पास जाएगी, समझा? अरे पुलिस, तुम गलत सर समझ रही है यार। मेरे बेचारे जीजू को मार डाला तूने। खैर कोई बात नहीं, अगर तू चुपचाप यहाँ से चला गया ना तो मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। समझ ले वो मूर्ति तेरी जान का सदका है, लेकिन अगर तू पुलिस के पास गया सीधा फांसी। जा जा बेटा घर जा। एक मिनट रुक, 500 रुपये, 360 कानपुर की टिकट के और बच्चे 140 तेरी बख्शीश। रास्ते में कुछ खा पी लेना। जा बच्चे निकल। अंजलि, अंजलि तुमने ये सब किया। अब खुद को बचाना है तो मेरी दीदी की सुहाग को मिटाना होगा। अंजलि जैसे लोगों पर। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने न केवल गलत रास्ता इख्तियार किया बल्कि अपनी ही बहन और अपने जीजा को धोखा भी दिया। अंजलि को खतरे में देख रविंद्र उसे बचाने आया लेकिन खुद घायल हो गया और अंजलि ने उसे बचाने के बजाय विक्रम के फोटो खींचे और फिर उसका राज न खुल जाए इस डर से खुद ही रविंद्र का कत्ल भी कर दिया। ऐसे लालची और अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अंजलि निश्चिंत थी कि उस पर जीजा की हत्या का आरोप कभी नहीं आएगा और अब वो विक्रम से भी बच गई थी। लेकिन उसके मंसूबे यहीं खत्म नहीं हुए थे, अभी तो बहुत कुछ होने वाला था। दीदी, दीदी ये कैसे हो गया? दीदी ऐसे कैसे हो गया? दीदी देखिए, आपके घर का कोई सामान चोरी नहीं हुआ है इसलिए लूटपाट की वारदात तो हो नहीं सकती। मुझे लगता है कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है। लेकिन उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो सबसे अच्छी तरह से मिलते थे। अगर कोई रंजिश नहीं थी तो फिर कोई उनकी हत्या क्यों करेगा? अब मेरा मतलब है कि उनसे हाल में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ या आपको किसी भी शक हो? जी नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि घर में कोई चोर घुस आया हो और जीजू ने उसे रोकने की कोशिश की हो और हाथापाई में जीजू को चोट आ गई हो और वो चोर घबरा कर भाग गया हो। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। फिलहाल एक काम कीजिए, मैंने इस केस के लिए अपने सारे मुखबिर लगा दिए, कोई भी क्लू मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा। और हाँ, यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई जानकारी मिलती है तो हमें जरूर बताइए। शिल्पा देख ज्योत्सना, बेटा जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब तुझे अपना ख्याल रखना हो। आर्यन को भी तो तुझे ही संभालना है ना बेटा। मैं आज जा रही हूं कानपुर, सोचती हूँ अंजलि को भी ले जाओ, वहां घर सुना होगा। नहीं माँ, मैं नहीं आ सकती। मेरा मतलब है दीदी अभी तक ठीक नहीं है और जब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आर्यन के भी एग्जाम्स आने वाले, उसे पढ़ाना है संभालना है, मैं यहीं रहूंगी अपनी दीदी के पास। नहीं बेटा, अंजलि घर क्या, वो तो देश भी छोड़कर जाना चाहती थी लेकिन इसके लिए उसे चाहिए थे अपने दस्तावेज यानी पासपोर्ट और वीजा, जिसके लिए उसे अभी कुछ दिन और ज्योत्सना के ही घर में रहना था। लिहाजा उसने अपनी मां और बहन को भावनाओं में बहाकर अपना रास्ता साफ कर लिया। अब उसे बस जल्द से जल्द अपने कागजात चाहिए थे
लेकिन वो हैरान थी कि दो दिन पहले आ जाने वाले दस्तावेज आखिर अब तक आए क्यों नहीं थे। मजाक बनाकर रख दिया आप लोगों ने, अभी तक कुरियर आया क्यों नहीं? एक मिनट मैडम, मैं चेक कर लेता हूं। मैडम, ये कुरियर तो दो दिन पहले डिलीवर हो चुका है। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता? जी हाँ मैडम, ज्योत्सना शर्मा जी के हस्बैंड मिस्टर रविंद्र शर्मा ने इस कुरियर को रिसीव कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स जीजू ने रिसीव किए थे, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स यही होंगे। दीदी ठंड लग रही थी तो चादर लेने आई थी। चादर वहां नहीं, दूसरी अलमीरा में। ऐसा कर तू ही नहीं सोच। आशा, देखिए ज्योत्सना जी, जिस चीज से आपके पति की हत्या की गई उसकी हमने जांच करवाई, उस पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो एक पेशेवर अपराधी के थे। वो पेशेवर अपराधी की फोटो ये है, अब जानती हैं सर? जी नहीं। अलमारी की चाबी दीदी ले गई है। ये बहुत ही जालसाज व्यक्ति है, दो बार अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में जेल जा चुका है, छूट चुका है, और पिछले साल तो एक एंटिक मूर्ति चुराने के आरोप में पकड़ा भी गया था, मगर सबूतों के अभाव में पुलिस को छोड़ना पड़ा। बड़े संयोग की बात है मैडम, आप भी कानपुर से हैं और ये पेशेवर अपराधी भी कानपुर से। ये आपके पति की हत्या क्यों की ये तो हमें भी नहीं पता। खैर एक काम कीजिए, आप जाइए, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको बताएंगे, ठीक है? अंजलि, अंजलि, फोटो, मेरा नाम वीजा, ये सब क्या?
ये मूर्तियां देख रहे हो आप जी जो, ये एंटीक्स की बुक है, ये सब की सब डुप्लीकेट है और इनका प्राइस है 1.5 करोड़। इमेजिन करो कि असली मूर्तियों का प्राइस कितना होगा। ये बहुत ही जालसाज व्यक्ति है, दो बार अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में जेल जा चुका है, छूट चुका है और पिछले साल तो एक एंटीक मूर्ति चुराने के आरोप में पकड़ा भी गया था। अंजलि, चलो ड्राइवर। अंजलि, किसी ने आवाज दी तुझे? अरे दी, मुझे दिल्ली में कोई नहीं जानता, मुझे कोई आवाज क्यों देगा। अपने को मार सकता है, अपनी बहन का घर उजाड़ दे, दीदी क्या बात है? दीदी सब ठीक तो है? कुछ नहीं, तेरे जीजू की याद आ गई थी। कहाँ गई थी तू? वो आर्यन को पार्क में घुमाने ले गई थी। एक मिनट आर्यन। दीदी क्या कहा पुलिस ने? दीदी यही कि उन्हें कुछ पता नहीं चला। डोंट वरी दीदी, जिसने भी ऐसा किया है वो एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। आर्यन आज मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ, चल। अंजलि, ये अलमारी की चाबियां तेरे जीजू की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के लिए क्लेम लेना। अभी लाती हूँ दीदी। दीदी कहा सुना माफ करना, दिल तो कर रहा है कि तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊं, लेकिन वहां कानपुर में मां भी अकेली है।
चलती हूँ दी, अपना ख्याल रखना। और आर्यन, तू भी अपनी मम्मी का ख्याल रखना, तू भी अपना ख्याल रखना, और माँ का भी। दीदी, एक मिनट रुको, करोल बाग लेना। लेकिन मैडम, आपको तो नई दिल्ली जाना है स्टेशन पर। बकवास बंद करो और जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो। चलो करोल बाग। 2 लाख कैश, बाकी बैंकर्स चेक। संभाल कर, कीमती है, एक मासूम की जान गई है इसकी वजह से। हैंड्स अप। और इसी कीमती की वजह से तेरे जैसे शातिर अपराधी हमारे गिरफ्त में। शीता, कृपा करो, छोड़ो मुझे। चलिए चलिए, छोड़ो। ए, चल गाड़ी पकड़, चल चल चल, लेके चल इसको। कैसे साबित कर सकते हैं आप? जिससे हत्या हुई उस पर तो विक्रम की उंगलियों के निशान है। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग देखिए, उसने मारा है मेरे जीजू को। ओहो, वीडियो तो बहुत अच्छा बनाती है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि तेरे जीजू की मौत सर पे चोट लगने की वजह से नहीं हुई थी, समझी? दम घोटने से हुई थी। और रही विक्रम की बात ना, अरे विक्रम तो मारी कस्टडी में है। देख देख मित्र, खेल लिया बहुत, कितना जगह हर कितना जगह तेरी। विक्रम ही काफी है तेरे को अपराधी साबित करने के लिए। और बात रही सच की, हाँ, जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी ना तो सच तो सबको पता चल ही जाएगा। हैरान होगी, ये नहीं पूछेगी पुलिस तेरे पास कैसे पहुंची, तेरे को कैसे ट्रस्ट किया। हाँ, मैडम जी की वजह से। मैडम जी, उस दिन जब मैंने अपने कपड़े बदलने के लिए अलमीरा खोली तो अलमीरा में मेरे नाम का एनवलप दिखाई दिया। उसे खोल कर देखा तो मेरे नाम के नीचे तुम्हारा फोटो और वीज़ा देखकर मैं हैरान रह गई। तब मैंने तुरंत इंस्पेक्टर साहब को आकर ये सब बताया और तब इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा पीछा करने में लग गए। हाँ तो अंजलि मैडम, अब एक बात बताओ, आप अपने हिसाब से सच बताओगी या फिर हम पुलिस वाले अंदाज में पूछे आपसे सच्चाई? हा? बता शिल्पा। एक मिनट सर, तुझे मार के मैं अपने हाथ अपवित्र नहीं करना चाहती। माफ कर दो मुझे दीदी, माफ कर। अंजलि जैसे अपराधी ना तो परिवार को मान देते हैं और ना ही रिश्तों को। उन्हें अगर किसी चीज से मतलब होता है तो सिर्फ अपने फायदे से। आस्तीन के सांप वाली कहावत ऐसे ही लोगों के लिए मनी है। हालांकि ऐसे अपराधियों के फन कुचलना हमारा काम नहीं है, लेकिन इनसे सावधान रहना, सतर्क रहना हमारी खुद की जिम्मेदारी। काश कि ज्योत्सना ने अपनी बहन की हरकतों को नजरअंदाज न किया होता। अगर वो समय रहते अंजलि को सही रास्ते पर ले आई होती तो रविंद्र को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता। बहरहाल, इतने प्रपंच करने के बाद, अपने परिवार को धोखा देने के बाद अंजलि को वही हासिल हुआ जो एक अपराधी को होता है, जेल की सलाख। अदालत ने उसे रविंद्र की हत्या का दोषी पाया और आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। ज्योत्सना के परिवार की इस त्रासदी में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। परिवार में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को सहारा देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन परिवार के एक सदस्य को गलत राह पे जाते देख उसे रोकना भी हमारी जिम्मेदारी, वरना इस गलती की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का। तो सावधान इंडिया।